प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय की आसानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के लिए न्याय प्रदान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्यायिक प्रणाली तक पहुंच है। पीएम मोदी ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है, इसे मजबूत करने के लिए पिछले 8 साल में तेजी से काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय की आसानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के लिए न्याय प्रदान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि न्यायिक प्रणाली तक पहुंचना। पीएम मोदी ने आगे कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है, इसे मजबूत करने के लिए पिछले 8 साल में तेजी से काम किया गया है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के साथ एक मंच साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और उपायों के बारे में सूचित करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह समय आज़ादी का अमृतकाल का समय है, ये उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारत की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे आप सभी के बीच आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन बोलना जरा कठिन होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज की ये इस तरह की पहली नेशनल मीटिंग है और मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुभ शुरुआत है, मतलब ये आगे भी चलेगा। आपने इस तरह के आयोजन के लिए जो समय चुना है, ये समय भी सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है, ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है।